हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 5 एनिमेटेड मूवीज के बारे में, जिनमें सबसे पहले है बाल गणेश जो 2007 में रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर थे पंकज शर्मा। बाल गणेश एलिफेंट हेडेड गॉड, ये भगवान गणेश के बचपन की कहानी है। इस कहानी में भगवान गणेश, उनके साथी मूशांग और असंख्य रोमांच के शोषण के आसपास केंद्रित है। भगवान गणेश के जन्म से कुबेर के त्योहार में गणेश की भूख के चित्रण के लिए उनके बचपन से लगभग हर मजाकिया घटना को फिल्म में चित्रित किया गया है। नंबर 2 पर है चीटी चीटी बैंग बैंग जो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे आरडी मलिक। ये फिल्म आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से पसंद थी। अर्थशास्त्र टाइम्स के गौरव मालानी ने लिखा, एक प्राचीन अंटी हाथी मजाक पुस्तक में फ्लिपिंग अधिक मनोरंजक होगी। चीटी चीटी बैंग बैंग निश्चित रूप से कुछ कीट नियंत्रण की मांग करती है। इस फिल्म की भारतीय फिल्म वेबसाइट indiaglitch.com ने नकारात्मक समीक्षा की और कहा, पूरी तरह से चीटी चीटी बैंग बैंग या अब बग लाइफ के साथ जुड़ने में विफल रहता है। और दोनों ने 5 में से फिल्म को एकल स्टार से सम्मानित किया। नंबर 3 पर है दिल्ली सफारी जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे निखिल आडवाणी। ये एक भारतीय द्विभाषी स्टीरियोस्कोपिक 3D कंप्यूटराइज्ड फिल्म है। फिल्म मुंबई से दिल्ली के 5 जानवरों और पक्षियों की यात्रा पर लगती है। ये भारत की पहली 3D स्टीरियोस्कोपिक फिल्म है। दिल्ली सफारी को महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों में मनोरंजन कर से छूट दी गई है। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नंबर 4 पर है दशावतार जो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे भाविक ठाकुर। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मानव जाति के विकास के दौरान बुराई मौजूद है और दशावतार यानी हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतार लगातार बुराई पर विजय पाने के लिए उपस्थित रहते हैं। और नंबर 5 पर है हनुमान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे क्षितिज सिंह। ये फिल्म हनुमान के जीवन को जन्म से ही दर्शाती है। हनुमान जो शिव के 11वें रुद्र अवतार को सर्वोच्च बुद्धि शक्ति और दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद मिला है। एक बच्चे के रूप में हनुमान काफी शरारती थे और आसपास के जंगल में रहने वाले संतों को परेशान करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। हनुमान की शक्तियों में शामिल है ब्रह्मास्त्र से कोई डर नुकसान नहीं, हथियार आग या पानी से कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक फिल्म है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड की टॉप न्यूज के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। और अगर आप किसी टॉप सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।